नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में दिखाई दे रहा है, आज हम हरियाणा पुलिस के एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी वाइज कट ऑफ का एनालिसिस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने हरियाणा पुलिस की सब इंस्पेक्टर की जो भर्तियाँ थी उसके रिगार्डिंग आपकी 3 तारीख को एक वीडियो बना रखी है एस आई कट ऑफ पर, और फिर हमने 2-3 दिन पहले आपको एक कट ऑफ वीडियो दी थी, यानी टोटल उन पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, 10,000+ व्यूज़ हैं, तो आप एक बार उन वीडियोस को जरूर देखें। लेकिन एक मुझे भी थोड़ी सी यूं लगा कि उन वीडियो में एक जो हमने चीज़ नहीं दी वो थी एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ। दोस्तों बिल्कुल सही है, मैंने कुछ और वीडियोस भी उनका डाटा खंगाला, पीछे आपकी कट ऑफ का पीछे का डाटा भी खंगाला, तो कोई पुख्ता हमारे पास डाटा उनके लिए नहीं था कि हम एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ का एनालिसिस कर सकें। लेकिन काफ़ी मैसेज आए मेरे पास, तो उनको देखने के बाद लगा कि हमें एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ पर एनालिसिस जरूर बनाना चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक अच्छा खासा डाटा जरूर होना चाहिए, यानी कम से कम एक ऐसी हमारे पास लाइन, थिन लाइन एक होनी चाहिए जिस पे हम चल सकें और पता कर सकें कि क्या स्टूडेंट ने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं या क्या स्कोर आ रहा है। तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ निर्धारित करें, इसके लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और इसको शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर आकर जुड़ें। तो उससे पहले कि हम निर्धारित करें दोस्तों, मैं आपको कुछ जो मैसेज मुझे किए हैं उन दोनों वीडियोज़ पर एक्स सर्विसमैन दोस्तों ने, उनको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। चलिए, पहला हमारा मैसेज है, जयवीर लाठर जी कहते हैं, एक्स सर्विसमैन जनरल में 47 क्वेश्चन ठीक हैं। अगर 47 क्वेश्चन ठीक है दोस्तों, तो उनके 35+ मार्क्स बनते हैं। 4-4 पर ऑब्जेक्शन कर रखा है, क्या चांस है, इन्होंने ये पूछा है, यानी 51 इनके क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इनके सही हो रहे हैं, तो 35+ स्कोर हो रहा है। फिर सर, मेरी कैटेगरी BC है, डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन, और 38 नंबर बन रहे हैं, तो क्या फिजिकल की तैयारी कर सकता हूँ, तो इनकी भी एक क्वेरी थी, स्कोर देख लीजिए आप 38। फिर मैं आपको बताता हूँ सर, एक्स सर्विसमैन BCA 55 क्वेश्चन ठीक है, तो इनके सीधे सीधे 44 नंबर बन रहे हैं। फिर नरेंद्र देसवाल, एक्स सर्विसमैन में 55 क्वेश्चन ठीक हैं, अब देखिए इनके भी 44 नंबर बन रहे हैं। फिर एक्स सर्विसमैन सुशील शर्मा जी कहते हैं 55 से ही इनके भी 44 का आंकड़ा आ रहा है। फिर एक्स सर्विसमैन BCA 45 क्वेश्चन ठीक है, तो 8 चुके 32 और 35 का स्कोर इनका भी बन रहा है। फिर 36 का ESM 47 क्वेश्चन ठीक है, तो 37 के आसपास ये भी आ रहे हैं, और 3 मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन के। फिर रवि गढ़वाल जी कहते हैं सर, 58 क्वेश्चन, NCC सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड, जनरल ESM कैटेगरी, एनी चांस। तो देखिए अच्छा खासा स्कोर किया है आपके एक्स सर्विसमैन बंधुओं ने, तो काफ़ी मैसेज आए, और इनमें सबसे इंटरेस्टिंग एक मैसेज मैं आपको वो पढ़ूंगा सर, फीमेल ESM जनरल 47 क्वेश्चन है, फीमेल्स की भी मैसेज आए, तो मेरा क्या हो सकता है। संदीप कुमार जी लिखते हैं, डियर सर, आई एम एक्स सर्विसमैन BCA कैटेगरी, 50 क्वेश्चन राइट, तो देखिए इनके 40 नंबर बन रहे हैं। फिर और भी है सर, SC DSM की कितनी जा सकती है, मेरे 100 में से 45 राइट हैं, यानी 45 क्वेश्चन इनके राइट हैं, इनका ये कहना है। तो ये सारी बातें हमारे साथ इन्होंने व्हाट्सएप पर हमारे वीडियोस पर शेयर की, और एक तो इतना मार्मिक सा मैसेज आया मुझे दोस्तों, उसमें वो दोस्त लिखते हैं कि हम एक्स सर्विसमैन की क्या गलती है, एक्स सर्विसमैन की क्या गलती है कि आप हमारी कट ऑफ का एनालिसिस नहीं करते। बिल्कुल दोस्त, आपकी कोई गलती नहीं है, हम तो खुद को प्राउड फील करते हैं अगर हम आपकी एक्स सर्विसमैन जो आर्मी में है या कहीं से भी है, तो आपने अगर कट ऑफ के एनालिसिस हमसे चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा डाटा होना चाहिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, वो मैं सर्च कर रहा था और जहाँ से जितनी जानकारी जुटा पाया उस बेस पर दोस्तों मैं आपके लिए कट ऑफ वीडियो लेकर आया हूँ। आप अपने सुझाव और अपने महत्वपूर्ण सजेशंस कोई भी हैं तो आप जरूर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर उसका जवाब दें। तो चलिए, जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ बताने से पहले हम जान लेते हैं कि आपकी वैकेंसीज कितनी थी। इस बार दोस्तों वैकेंसीज थी, जनरल की मेल में 28 है, SC में 8 वैकेंसीज है, BCA में 8 और BCB में 12 वैकेंसीज है, यानी टोटल मिलाकर आपकी ये 56 वैकेंसीज हो जाती हैं, 56 वैकेंसीज आउट ऑफ 400। फिर फीमेल की बात कर लें तो आपकी जनरल की 4 है, SC की 1 है, BCA की 1 है और BCB की 2 है, तो देखिए जनरल आपकी 8 वैकेंसी है, सिर्फ फीमेल की 63 आउट ऑफ, तो कंपटीशन तो देखिए दोस्तों काफ़ी हार्ड और टफ है, इस बात को तो डिनाई नहीं किया जा सकता। और अब जो ये एक एक वैकेंसी है इनकी क्या कट ऑफ बताएं, कितना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर एक कैंडिडेट ने 50 का स्कोर कर लिया तो बाकी जिसके 49 भी हैं तो वो कहाँ रहेगा इस दौड़ में, मतलब 5-4 कैंडिडेट ही तो चाहिए ना, 7 गुना बुला रहे हैं तो कितने कैंडिडेट चाहिए, अगर 4 के 50-50 स्कोर मिल गए तो आपकी कट ऑफ तो 50 चली गई ना, उस पर हम फिर कैसे करेंगे, 49 वालों को कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं, उनके हमारे पास क्या जवाब रहेगा उसके बाद। लेकिन फिर भी जो हमने मैसेज हमारे पास आए और उनके बेस पे जो हमने डाटा तैयार किया है उसके हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, तो रहिए तैयार। ये देख लीजिए दोस्तों, फीमेल की कट ऑफ, हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं, फीमेल की जनरल की 37 रहेगी, 37 से कम नहीं रहेगी दोस्तों। और अब मैं बात कर लेता हूँ, ये लोवेस्ट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, अगर कम गई तो 37 रहेगी और ज़्यादा चली गई तो 42, ये आपका आंकड़ा है, यानी
देख आप इस चीज़ दोनों ही चीज़ों को मिलाकर चल सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा आशावादी सोच रहा है तो वो सोच ले कि 37 मार्क्स हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करें, और मुझे तो कंपटीशन काफ़ी हाई लगा और उसके बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपकी अगर कट ऑफ गई ज़्यादा, क्योंकि एक एक और दो दो सीट है, ये चीज़ आप नाम मत भूलें, एक एक दो दो चार ऐसी इस तरह से सीटें हैं आपकी, तो बहुत कम है ये। तो अब 42 अगर हाईएस्ट रही तो हाई तरफ रही, एससी की आपकी 29 रह सकती है अगर लोअर साइड में रही तो, अगर हायर साइड में रही तो 32 रह सकती है आउट ऑफ 80। फिर बीसी ए कैटेगरी में 35 लोअर साइड रह सकती है और 39 हायर साइड रह सकती है। फिर बीसी बी की 35 लोअर और 40 हायर साइड रह सकती है। ये जो आंकड़ा निकल कर आया दोस्तों आपकी वैकेंसीज में कंपटीशन कितना रहा और हमारे पास जो मैसेज आए हैं, इसका हमारे पास ऑफिशियल डाटा नहीं है कि कितने एक्स सर्विसमैन फीमेल एग्ज़ाम में बैठे हैं और कितने मेल बैठे हैं, ये आंकड़ा हमारे पास नहीं है। तो इस पर मैं आपको जो मैसेज हम मतलब ये जो मैंने आपको पढ़ाए हैं सिर्फ वही मैसेज नहीं है, इसके अलावा काफ़ी सैकड़ों मैसेज आए हैं, तो उनके बेस पर हमने ESM की कट ऑफ का एनालिसिस इस तरह से किया है। तो जो भी सोच रहे हैं कि कट ऑफ इतनी नहीं कम जाएगी तो उनके लिए ये आंकड़ा रहेगा, और जो सोच रहे हैं रियलिटी जानते हैं वो उनके लिए आंकड़ा ये रहने वाला है डेफिनेटली। अब एक बात और कर लेता हूं, अगर आपकी कट ऑफ ये मान लीजिए कि बहुत ही कम रही या एक्सपेक्टेड आपको फीमेल कैंडिडेट्स वहाँ नहीं मिल रहे, खैर मिल जाएंगे आज, तो इस कट ऑफ को आप आउट ऑफ 100 भी मान के चल सकते हैं। ये कट ऑफ अगर आपके आउट ऑफ 100 की भी रह सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर लोअर साइड में चीज़ें चली जाती हैं, कट ऑफ इससे कम चली जाती हैं, तो ये आपकी आउट ऑफ 100 रह सकती हैं, लेकिन इसका चांस कम है। मेरे ख्याल से आपकी कट ऑफ यही रहेगी, लोअर साइड में रही तो ये, हायर तरफ गई तो ये कट ऑफ रहेगी। फिर बात कर लेते हैं फीमेल मेल कैंडिडेट्स की क्या कट ऑफ रहेगी। आपकी टोटल 56 वैकेंसीज है, इस बात को आप ना भूलें, किसमें से 400 वैकेंसीज में से। तो जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं, एक्स सर्विसमैन जो जनरल कैटेगरी से हैं, 42 मार्क्स उनको डेफिनेटली स्कोर करना है, 42। फिर जो एससी कैटेगरी से हैं 33 मार्क्स, बीसी ए कैटेगरी से हैं 36 और बीसीबी कैटेगरी से एक्स सर्विसमैन हैं 41। तो इनको क्योंकि एससी की आपकी 8 सीटें हैं, बीसी ए की 8 और बीसीबी की 12 सीटें हैं, जनरल में थोड़ी ठीक है 28 है लेकिन वो भी इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ 12 है, यहाँ 8 है और यहाँ 8 है, तो आपको ये स्कोर आउट ऑफ 80 जरूर करना पड़ेगा, 42, 33, 36 और 41। अगर 80 में से आपका जो नॉलेज टेस्ट हुआ था, अब यहाँ पर वो मायने नहीं रखता आपका ग्रेजुएशन में क्या है वो अलग बात है, आगे आपको 3 स्कोर मिल रहा है 5, अगर आपको ये स्कोर मिल रहा है नॉलेज में, आपके नॉलेज टेस्ट में 80 में से आउट ऑफ 80, तो डेफिनेटली आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों ये प्योरली बेस्ड है हमें स्टूडेंट्स ने जो उनके मैसेज भेजे हमसे, इन्होंने रिप्लाई मांगा, उन्होंने अपने, हमने फिर उनको कहा था कि आप अपने स्कोर भेजिए, तो सैकड़ों की संख्या में हमारे पास मैसेज आए। यानी आपको मैं अगर अंदाजन बताऊं, क्योंकि मैं पूरा गिन नहीं पाया, अलग अलग मैंने मैसेज को शॉर्ट आउट किया, तो ये तकरीबन 137 प्लस हुए थे, 142-145 के आसपास कुछ रहा था और आ भी रहे थे। तो उसके बेस पे हमने मेल और फीमेल की कट ऑफ आपको बताई है, आपने खुद देखा होगा कुछ जो मैसेज थे उसमें अच्छे स्कोर थे फीमेल के, मेल में 55-55 क्वेश्चन राइट हैं, कुछ के ऑब्जेक्शन भी हैं, फीमेल में 55-55, 52-53, 50 की तकरीबन क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो आपकी कट ऑफ की जो एनालिसिस थी, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये आपकी फीमेल की कट ऑफ है, इसको आप देख लीजिए ध्यान से, और उसके बाद में ये कट ऑफ आपकी मेल कैंडिडेट्स की रहने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो हम आपको पहले सूचित कर देंगे कि हम लाइव भी आते हैं इन आपकी क्वेरीज का समाधान करने के लिए, तो अगर आपकी कोई क्वेश्चन आंसर है तो हम उस सेशन में जरूर करेंगे। तो एक्स सर्विसमैन दोस्त जो भी हैं जिनकी ये कंप्लेंट थी कि हम एक्स सर्विसमैन का क्या कसूर है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के साथ उनका वो जो क्वेरीज थी, जो संशय था, वो बाहर निकल गया होगा, समाधान हो गया होगा। इसी तरह आपके सुझाव आप हमें देते रहें और हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल को, आपके अपने चैनल को ग्रो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और लाइक करते रहें। आप अपने फेसबुक पेज ड्रीम सक्सेसर पर भी फॉलो कर सकते हैं।